दोस्त बन के गवा न दे मेरे हम नफस मेरे नवा मुझे दोस्त। एक लम्हे को जो सुन लेते हैं नगमा तेरा, एक लम्हे को जो सुन लेते हैं नगमा तेरा, फिर उन्हें रहती है जीने की तमन्ना बस। मुझे जिंदगी की दुआ न दे मैं मुदल दे से बलब। शायरी हमारे जज्बात और एहसासात की नुमाइंदगी करती है, एक ऐसे जहाने मानी हम पर वाह करती है जो इससे पहले हमारे सामने नहीं होते हैं। अच्छी शायरी को गाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे गज़ल गायक हुए हैं जिनको अल्लाह ने आवाज़ भी बहुत उम्दा दी थी और शायरी की समझ भी। उन्हीं में एक नाम बेगम अख्तर का है। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, मेरे हमनफस मेरे हमनवा मुझे दोस्त बन के दगा न दे। ये ऐसी गज़लें हैं जिनको अपनी आवाज़ दी है बेगम अख्तर ने, और आज हम इन गज़लों को उसके शायर से नहीं बल्कि बेगम अख्तर की आवाज़ से पहचानते हैं। ये बात है 1913 की, जब हिंदुस्तान सियासी उथल पुथल का शिकार था, अंग्रेज़ की बर्बरियत अपने उरूज पर थी, तहरीक आज़ादी के मतवाले अपनी जान हथेली पर लिए हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की तगोदो में मसरूफ़ थे, जब एक मशहूर वकील असगर हुसैन माजिद अली और मेहरुन्निसा की बेटी और चार भाइयों की इकलौती बहन मुश्तरी की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए। जय हो। श्रीमती बेगम अख्तर का नाम आते ही मैं तो अपनी पुरानी यादों में खो जाता हूँ। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि बेगम अख्तर मेरे लिए क्या अहमियत रखती है, उनका गाना मेरे लिए क्या चीज़ है। मैं तो उनके गाने में रास्ते में बैठ जाता था, स्कूल ही नहीं जाता। आज उनके बारे में मुझे कुछ उनके गाने के बारे में कहने का कुछ कहा गया है, मैं उनके गाने की क्या चर्चा करूँगा, क्या कहूँगा उनके बारे में। वो तो हमारे दिल में खूब ऐसे ही राज करती रहती है। उनका संगीत तो हमारे सर पे जादू की तरह चढ़ के बोलता है। वो तो दुनिया की लाडली थी, कईयों की अम्मी थी, कईयों की बेगम अख्तर थी, कईयों के शहनशाह मलिकाए थी गाने की। तबीयत इन दिनों बेगाना गम होती जाती है, कमाल है उनका गाने का जो ढंग जो अंग एकदम शास्त्रीय संगीत को चिपका हुआ। ऐसा गजल गाना सिर्फ उन्हीं का काम था। मैं फिर से कहता हूँ कि आज का गायक जो भी उनके अंदाज से गजल गाएगा वो हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सरताज हो सकता है। रोना
बेगम अख्तर के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि इक्के वालों के वास्ते से बेगम अख्तर मुझ तक पहुंची। वो गाया करते थे, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे तो बेदाद की कोई गज़ल थी जो उन्होंने गाई थी और वो बहुत हुई थी। तो हम नाम तो उनका सुनते रहे थे और कभी कभी उनका गाना भी आ जाता, रिकॉर्ड चल रहे थे उनके। और खुशकिस्मती यह है कि हमारे होते हुए, हमारे लाहौर में होते हुए एक मरतबा वो मौसीकी कॉन्फ्रेंस में आई थी, बेगम अख्तर और रसूलन भाई दोनों स्टेज पर थी और मैं उस मौसीकी कॉन्फ्रेंस में था, तो उन्हें बराह रात भी देखा और सुना। तो उनका जादू तो अपनी जगह पर था, गज़ल के वास्ते से तो ऐसा जादू शायद उसका मुकाबला कम होगा, अपनी जगह पर बहुत बड़ी शख्सियत थी। फिर उनके बारे में पढ़ा भी सुना भी कि वो किस किस्म की थी। तो अब ये तो हमारी बचपन से लेकर अब इस उम्र तक वो यादें चली आ रही हैं। वो आवाज़ का जादू अब तक पूरे बड़े सगीर में है, फिजा में है, वो हमारे शऊर का भी हिस्सा है। हुसैन की ज़िंदगी में मुश्तरी का सफ़र उनकी दूसरी बीवी की हैसियत से 1914 में हुआ। कुदरत ने उन्हें दो जुड़वां बच्चियों जोहरा और बीबी से नवाजा। हुसैन ने उनके लिए घर खरीदा और अपनी नई नवेली दुल्हन से कहा कि अब यही हमारा घर है और यही हमारी जन्नत। साल भर में मेरे घर वाले तुम्हें कबूल कर लेंगे, फिर हम एक साथ लखनऊ वाले आबाई घर में रहेंगे। ना तो मुश्तरी को हुसैन के ख़ानदान ने कबूल किया और ना ही सैयद साहब ने अपनी जुड़वां बच्चियों के लिए किसी ख़ास तर्ज़ अमल का मुजाहिरा किया। जैसे बेगम साहब की किताब में रिसर्च है ऑन प्रोफेशनल सिंगिंग वेमेन, तवायफों की रिवायत, उनकी ज़िंदगी, उनकी तालीम उसके ऊपर है, जस्ट टू प्रूव कि वो इन घरानों में से नहीं थी। वो सैयद घराने की बेटी थी, शादीशुदा बाकायदा निकाह पढ़े हुए वालदेन की बच्ची थी। कभी कभी हुसैन मुश्तरी से मिलने चले आ जाते और बीवी और बच्चों के लिए खर्च वगैरह का इंतज़ाम करके चले जाते। ऐसे आलम में मुश्तरी ने बहुत मुश्किलात का सामना करते हुए एक सब्र आजमा तवील जद्दोजहद के साथ अपनी जुड़वां बच्चियों की परवरिश की। हुसैन की पहली बीवी की धमकियों और एक सब्र आजमा तवील जद्दोजहद के दरमियान मुश्तरी ने अपनी दोनों बेटियों को तालीम के जेवर से आरास्ता किया और ऐसा करते हुए मुश्तरी की ज़ाती ज़िंदगी की मुश्किलात में समाजी पेचीदगियों का इजाफा हो गया, क्योंकि उस वक्त का मुआशरा औरतों की तालीम के लिए मुनासिब नहीं समझा जाता था। लेकिन मुश्तरी ने किसी की परवाह किए बगैर अपनी बेटियों को मिशन स्कूल में दाखिल करवा दिया। औरतों की तालीम और मुश्तरी के बढ़ते कदमों की वजह से मुश्तरी की बड़ी बेटी जोहरा को ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। तासुब की इंतहा तो देखिए कि मुश्तरी की दो मासूम बच्चियों को जहर देकर मारने की कोशिश की गई, जिसमें बड़ी बेटी की जान गई, लेकिन छोटी बेटी बिब्बी इस हादसे में बिस्तरे मर्ग से ज़िंदा लौट आई। यही वो नन्ही बिब्बी है जो आगे चलकर दुनियाए मौसीकी में बेगम अख्तर के नाम से मशहूर हुई। करार था तुम्हें याद हो के न याद हो, वो जो हम में तुम्हें करार था तुम्हें याद हो के न याद हो, वही के बारे में सिर्फ ये कहना चाहूँगी, बहुत ही फराख दिल थी, बहुत ही मोहब्बती थी और इतना पर्सनल चार्म, जो फैज साहब ने भी कहा,
असल में वैसा के लिए मैं एक बार आई हैड द ऑनर ऑफ सिंगिंग फॉर हिम. मैं शायद 19-20 साल की थी और मुझे लखनऊ से बुलाया गया. यहाँ के पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और उनकी बीवी ने मुझे बुलाया कि फैज़ साहब हमारे घर आ रहे हैं डिनर के लिए, तो आप आएँ और उनकी कुछ गज़लें उनके लिए गाएँ. तो मैं आई और फैज़ साहब ने सबसे पहले यही कहा था कि आपको मालूम है कि आपकी गुरु जो थी वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और क्या पर्सनल चार्म उनका था. तो फैज़ साहब ने कहा कि यही उन्होंने वही बात मैं दोहरा रही हूँ कि शी हैड ग्रेट पर्सनल चार्म. बहुत ही चार्मिंग इंसान थी, बहुत ही प्यार और मोहब्बत से भरी हुई बिल्कुल थी. कहते हैं दुख, परेशानियाँ और गम आदमी की ज़िंदगी में तख्लीकी तजुर्बे के तौर पर जब शामिल हो जाती हैं तो उसकी तख्लीक हो या उसकी आवाज़ हो, उसमें एक तरह का दर्द और एक तरह का जादू पैदा हो जाता है. बेगम अख्तर को तो ज़िंदगी ने इस कदर दुख दिए थे कि वो दुख और वो गम ताहयात उनकी आवाज़ में झलकते रहे, उनकी आवाज़ उनके दर्द की गम्माजी करती है. दरअसल ये सादगी ही है जो अपने साथ चकाचौंध कर देने वाली ताबानी लेकर आती है. एक औरत को चमक दमक के लिए जेवरात की ज़रूरत नहीं होती, ठीक ऐसे ही संगीत को भी किसी किस्म की सजावट की ज़रूरत नहीं होती. सच्ची और रूह अफजा गायकी किसी भी गायक की मोहताज नहीं होती. हुजूर, मैंने गजलें उसी लिए कहना शुरू की जिसलिए गालिब मुसव्विरी सीखना चाहते थे. अच्छा. मेरी असल गरज यह है कि अगर मैं गजल कहूंगा तो मैं गजल से करीब हो जाऊंगा. सिर्फ इसलिए मैंने गजल कही, इसलिए कि बेगम अख्तर साहब के सामने आके सिर्फ के गजल सुननी मिलती बल्कि गजल देखने को भी मिलती है. इसलिए मैं तो फिर हम ये फरमाइश करें कि आप गजल की या तो आप फरमाइश करें या इब्तिदा करें. मेरा ख्याल से ज्यादा बेहतर शायद ये हो कि आप कुछ इब्तिदा करें, बाद हम बात करें बेगम अख्तर. हाँ, मैं बिल्कुल एक नया मतला सुनाता हूँ इरशाद और बेगम अख्तर की नजर करता हूँ. जाहिर है कि मैं तो बेइंतहा बेसुरा हूँ. आप इसमें वो जान देंगे यकीनन मुझे कि मैं ढूंढता हूँ जिसे वो जहाँ नहीं मिलता. मैं ढूंढता हूँ जिसे वो जहाँ नहीं मिलता. नई जमीन नया आसमान नहीं मिलता. हिंदुस्तानी मौसीकी की बुनियादें बहुत मज़बूत हैं और उसका सफ़र भी बहुत गहराई में जाता है, जिसमें हम समझते हैं कि गज़ल गायकी और ठुमरी गायकी का जो मरकज़ रहे उनमें बेगम अख्तर का जो काम है वो बहुत ही बुनियादी है, जिसने असरात पैदा किए बाद में आने वाले जो भी गज़ल गायक थे या जो भी ठुमरी और गीत गाने वाले थे, उन सब पर बेगम अख्तर के असलूब की छाप है. और उन्होंने जो मैं समझता हूँ कि जो शायरी गाई और शायरी के साथ जो उनका रिश्ता था
और उसको किस तरह निभाया उन्होंने, गोया उन्होंने एक बुनियाद बनाई कि गायकी में अच्छी शायरी, क्लासिकी शायरी की किस हद तक रचाओ दोनों में शामिल किया जाना ज़रूरी है। तो बेगम अख्तर लेजेंड है मेरे नज़दीक, और उनका जब भी हम उनको सुनते हैं तो हम देखते हैं कि उनके असरात आज तक की मौसीकी पे किस तरह से आए, और किसी भी बड़े गायक को इसी तरह ही देखना चाहिए कि उसकी क्लासिकी रिवायात से कितनी गहराई शनासाई है, और शायरी से लेकर जितने दूसरे असालीब हो सकते हैं उनके साथ उसका रिलेशनशिप क्या रहा है। तो बेगम अख्तर तो एक तरह से कॉमन लेगेसी है सबके लिए, जो भी मौसीकी का कदरदान है, जो भी मौसीकी को सीखना चाहता है उसे बेगम अख्तर को सुनना पड़ेगा। क्या बेगम अख्तर अपने बचपन से ही गाने लगी थी? फैज़ाबाद से जो सफ़र बेगम अख्तर ने शुरू किया वो लखनऊ, दिल्ली, मुंबई और सारी दुनिया में बेगम अख्तर की आवाज़ और बेगम अख्तर की फिल्मों की सूरत में दुनिया तक पहुंचा। बेगम अख्तर बहुत अच्छी गायिका तो थी ही, उनका शुमार गज़ल गायकी के उन चुनिंदा लोगों में किया जाता है जिन्होंने गज़ल गायकी को एक नई तर्ज दी, चाहे वो दादरा की सूरत में हो या ठुमरी की सूरत में हो या गज़ल की सूरत में। ये सब चीज़ें बेगम अख्तर का खासा थी। एक ख़ास बात जो बेगम अख्तर को सुनते हुए हम महसूस करते हैं कि बेगम अख्तर सिर्फ आवाज़ ही नहीं, वो शायरी भी हमारे दिलों में उतार देती हैं, जो बहुत कम गज़ल गायकों को मुयस्सर आई हैं। हमारे सामने बेगम अख्तर की आवाज़ भी होती है और वो इमेजिनरी, वो तस्वीरें भी जो शायर ने अपनी गज़ल में या अपने शेर में पेश की होती हैं। ये कमाल बहुत कम गज़ल गायकों को मुयस्सर आया है। बेगम अख्तर ने अच्छे लोगों में, जो उनका उर्दू कल्चर से बहुत गहरा रिश्ता था और उर्दू की कल्चर की जो कहना चाहिए कि अदबी जो रवायत रही है और जो ज़ाहिर की नफासती थी, उसमें उन सब से बाद में उनकी शादी भी एक ऐसे ख़ानदान में हो गई जो बहुत वहाँ का बहुत कहना चाहिए ज़ी इल्म और ज़ी मर्तबा यानी लोग थे, और ज़ाहिर है कि वहाँ बेगम अख्तर को जो लखनऊ का जो के जो आदाब हैं और उस तहज़ीब की जो नफासतें हैं उन सब का भी एक तरीके से कहना चाहिए तर्जुमान उनको समझना चाहिए। हमारे दोस्त हैं सदीक़ रहमान खदवाई साहब, उनके एक अज़ीज़ हैं सलीम खदवाई, जिन्हें एक तरीके से बेगम अख्तर ने अपना बेटा बना रखा था। तो सलीम के पास तो बड़ा कीमती ख़जाना है बेगम अख्तर के सिलसिले में, और उनकी प्राइवेट रिकॉर्डिंग जब वो रियाज़ करती थी वो सब सारी चीज़ें जमा कर रखी हैं, और ज़ाहिर है कि इस तरह लखनऊ के कई ऐसे घरानों से उनका ताल्लुक़ बहुत गहरा रहा जो दरअसल एक पूरी तहजीब की नुमाइंदगी करते हैं। तो बेगम अख्तर के यहाँ भी यह खूबी रही है कि उन्होंने जो पॉपुलर सिंगिंग हो सकती थी उसकी रवायत से भी वो वाकिफ़ थी, और ज़ाहिर है कि इसी के साथ साथ वो उनके शायरों अदीबों से ताल्लुकात रहे और मरासिम रहे, बेहजाद से एक ज़माने में और फिर शमीम जयपुरी और इस तरह बहुत से लोग जो यानी मौसीकी और शायरी दोनों का कहना चाहिए कि आलम जिन्होंने बुलंद कर रखा था। तो बेगम अख्तर बहुत यूनिक गाने वाली थी, और यही वजह है कि उनकी आवाज़ हमें इतनी मुख्तलिफ़ लगती है। यानी हद तो ये कि मेरे बाद ऐसे दोस्त जो जनूबी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और जो ज़ाहिर है कि कर्नाटक म्यूज़िक में जिनकी तरबियत हुई है वो भी बेगम अख्तर की आवाज़ के शायद आई थे, और कभी कभी कहते थे कि वो उल्टी होंगी सब तकदीरें जिस तरह उन्होंने गाई, या इब्ने मरियम हुआ करे कोई, या ये इस तरह की बहुत सी गज़लें जो बेगम अख्तर के नाम के साथ एक कहना चाहिए कि बिल्कुल मखसूस हो गई हैं। तो बहुत गैरमामूली एक उनका वो रहा है, उन्होंने शौक़ पैदा किया लोगों में, उनके शागिर्द जो पैदा किए अंजलि बनर्जी, गीता गंगोली और ये सब, तो वो जिस तरीके से जिक्र इनका करती हैं सब अम्मी कहने लगी थी। एक रिस्पेक्टेबिलिटी जो उन्होंने हासिल की बेगम अख्तर ने अपने खुद तौर तरीक़ों की वजह से, और उसी के साथ साथ ये भी कि उन्होंने एक रवायत उस्ताद शागिर्द की जो कहना चाहिए कि जो रही है मौसीकी के घरानों में,
उसको एक उर्दू कल्चर का हिस्सा बनाया उन्होंने। बेगम अख्तर जब शोहरत की बुलंदियों पे थी तो बेगम अख्तर की शादी हो जाती है, वो आवाज़ जिस आवाज़ का जादू हर खास आम के सर चढ़कर बोलता था, वो आवाज़ 7 साल के लिए कहीं रूपोश हो जाती है। अपनी शादी के 7 साल तक बेगम अख्तर ने ना ही कोई गज़ल गाई और ना ही किसी फिल्म में काम किया, एक तरह से वो घरेलू खातून होकर रह गई। आहिस्ता आहिस्ता वो दर्द वो गम जो बेगम अख्तर के अंदर था, जिसे बेगम अख्तर इससे पहले अपनी आवाज़ की सूरत में बाहर निकालती थी, वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बेगम अख्तर को परेशान रखने लगा और फिर बेगम अख्तर आहिस्ता आहिस्ता बीमार होती चली गई। बेगम अख्तर के शोहर को उनके दोस्तों ने और डॉक्टरों ने ये मशवरा दिया कि बेगम अख्तर अगर गाएंगी नहीं तो ज़िंदा नहीं रह पाएंगी, उनकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि बेगम अख्तर अपना गम अपना दर्द लोगों में बांटें, जो इससे पहले वो आवाज़ की सूरत में लोगों के साथ बांटती आई थी। और एक बार फिर 7 साल के लंबे अरसे के बाद बेगम अख्तर दोबारा अपने चाहने वालों के बीच में आके गाने लगती हैं। यहीं से दोबारा बेगम अख्तर की गज़ल गायकी का एक नया दौर शुरू होता है। सात अक्टूबर 1914 में फैज़ाबाद में पैदा हुई बीबी उर्फ बेगम अख्तर 30 अक्टूबर 1974 को हमसे जुदा होती हैं, और इस तरह ठुमरी दादरा गज़ल और हिंदुस्तानी क्लासी मौसीकी की मलिका हमसे जिस्मानी तौर पर अलग होती हैं। हमसे उन्हें अलग हुए एक ज़माना हो गया, उनकी आवाज़ आज भी इन फिज़ाओं में गूंज रही है और कह रही है, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, मेरे हम नफस मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगा न दे, वो जो हम में तुम में करार था तुम्हें याद हो के ना याद हो, वही यानी वादा निभा का तुम्हें याद हो के ना याद हो, दोस्त बन के दगा न दे नफस मेरे नवा मुझे दोस्त बन के दवा न दे, मैं हूँ दर्द इश्क से जान बलब मुझे जिंदगी की दुआ से जा बलब मुझे जी।